बघा चार बॅगा बोलले तो चार 12-15 वाह 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 ठीक है उतना तो होता है अभी देखते हैं ये सारा इसमें फिट करना है तो किस तरीके से होता है डोके पे लो अभी खाना मिल जाए जस्ट निकल रहे सागर से कल रहेगा उज्जैन लो लो और बैग्स लो देखो कितने सारे बैग्स हैं पीछे भी पूरा भर गया लेट्स गो गाइस और ऑलरेडी लेट हुआ है अरे भाई ये समझ नहीं किया भाई ये जाओगे जस्ट नासिक क्रॉस की है जस्ट टी ब्रेक के लिए रुके यहाँ से मालेगांव लगभग 150 किलोमीटर है धुले 160 किलोमीटर अभी नेक्स्ट स्टॉप धुले रहेगा वहाँ पे ये नासिक से थोड़ा आगे है थोड़ा एक 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि नॉन स्टॉप 12 बजे से चला रहा हूँ यहाँ पे रुके अभी के बजे 7 और अभी फास्टैग का प्रॉब्लम हो गया है फास्टैग रिचार्ज नहीं हो रहा है और डबल अमाउंट जा रहा है तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक टोल पे रुके हैं जुड़े के पहले तो अभी देखते हैं अभी क्या सॉल्यूशन निकलता है पूछा फास्टैग का तो ऑफिस से बताया गया कि हर किसी का हो रहा है वो सर्वर ही डाउन है फास्टैग का तो ना चाहते हुए भी 300 रुपये देके के आगे जा रहे हैं ये हमने ऑप्शन निवड़ा है हमने निवड़ा है उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टोल पे भी यही जो स्लिप दिया है तो ये सेम चलेगा फिर से पे करने का जरूरत नहीं है तो ये अच्छी बात है हम लोग रुके हैं MP और महाराष्ट्र बॉर्डर पे टोल नाके पे जो हमारा फास्टैग का जो प्रॉब्लम हुआ था वो भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे एक फास्टैग वाला दिखा वहाँ पे रुके हैं तो लेट्स सी अभी क्या वे आउट करने का न्यू एयरटेल का अकाउंट बना रहे फास्टैग का तो काम हो गया एक जस्ट निकले महाराष्ट्र MP बॉर्डर से टोल से नो प्रॉब्लम ये क्या चल रहा है अभी भूख लगेगी तो रुकेंगे अदरवाइज ऑन द वे तो लगा है भूख लगेगी तो रुकेंगे नहीं तो प्लान है आगे शिरपुर में रुकने का लेट्स सी फिर शिरपुर से 263 किलोमीटर उज्जैन है फाइनल स्टॉप रहेगा हमारा
साथ रिवर है एमपी में, एमपी में ओके महाराष्ट्र में आती हम लोग आ चुके हैं उज्जैन, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। अभी थोड़ा फ्रेश होके नहा धो के फिर दर्शन के लिए जाएंगे। दिखा रहा हूँ महाकाल मंदिर का ये लुक, जो लाइटिंग देखो। अभी तो बिल्कुल रश नहीं है लकीली, बट मंडे और वीकेंड्स बहुत रश रहता है। गाइस फाइनली हम लोग फिर से आफ्टर दर्शन पार्किंग में आ चुके हैं। अभी खाना खाएंगे डिनर और नेक्स्ट आगरा के लिए निकलेंगे। आगरा के बाद ये अभी उज्जैन में अभी फुल हो रहा है टैंक। यस गाइस अभी हम लोग रुके हैं डिनर के लिए। ये देवास के आगे मक्सी है, वहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ पे पलवस ढाबा करके है, तो वहाँ पे अभी देखते कैसा खाना मिलता क्या मिलता। और आज होल नाइट आगरा के लिए गाड़ी चलाना है, तो मैं और वैभव रहेगा। ये मेरा को पायलट है आज, ये और मैं गाड़ी चलाएगा। मेन्यू देखने का काम चल रहा है, देखते हैं अभी क्या मंगा रहे। सेटअप काम फोटोज कितना बन निकाला भाई इस फोटो से, तो भाई मेमोरी बनेगा रहेगा। लगन बाकी देखते भाई, दस ओवरनाइट चला नहीं है आगरा, आगरा के लिए रोटी प्लान था, स्टे का प्लान था, हां देखते रहे स्टे का प्लान था, बट अचानक भयानक प्रोग्राम बन गया। अपन ट्रेनर साथ हो कोई चलाने नहीं दे रहे, तो चलाना है बट रेस्ट भी जरूरी है गाइस। फिर आगे ट्रैकिंग वेकिंग करना है इसलिए। सो अभी नेक्सॉन के बारे में बोलेंगे, नेक्सॉन का माइलेज, नेक्सॉन का कंफर्ट। मैं खुद पर्सनली ओन करता हूँ ये गाड़ी मेरा है, और मतलब इसका लॉन्ग
बाद में ये लोग का भी रिव्यू लेंगे, इनको कैसा लगा। मुझे पर्सनली पूछोगे तो ऐसा नहीं कि मेरा गाड़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली मैंने सारे गाड़ियाँ चलाए, उसमें नेक्सॉन का ड्राइविंग कंफर्ट, सस्पेंशन, एक छोटे इसमें बताऊँ तो ऑलराउंडर कार है। तो माइलेज का अगर पूछा जाए तो बहुत अच्छा माइलेज निकल के आया है अभी तक। तो मतलब मैंने 3500 का डीजल भरा था तो अप्रॉक्स भी नहीं हो सकता ऐसे 38 लीटर्स आया था, तो उतने में हम लोग ने 720 किलोमीटर्स के अराउंड ड्राइव कर लिया है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एवरेज दिया है, बीच में रोड्स भी ख़राब थे, फिर एमपी में बहुत अच्छे रोड्स मिले, वहाँ पे माइलेज मुझे लगता है कवर हो गया। महाराष्ट्र में कल्पेश अन्वेकर और ये वैभव आज मेरा गाड़ी लिया है ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, वो अपना ओपिनियन देने वाले नेक्सॉन के बारे में। तो मैं एक बाद में मतलब थोड़ा चला ना, अभी इनिशियल आज का कैसा रहा? आज का तो बेस्ट है भाई, बाद में ऑब्वियसली वो कंट्रोलिंग है, ब्रेकिंग है, वो सबसे बेस्ट है। और इनका तो पूछना बेकार है। गाड़ी में कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट कैसा? हाँ वो पीछे कंफर्टेबल बैठी हूँ मैं, जन बैठे और पूरा लोड के साथ भरा, खच्चा खच भरा है लगेज। देखो पूरा मतलब पूरा 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 पैक एकदम फेयर भी काफी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेस भी अच्छा है पीछे, झगड़े भी देखने मिल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, रोड ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, तो अभी हम लोग तो नाइट पर ड्राइव करने वाले हैं, या यही एंड करते हैं ये ब्लॉग।